तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं भूगोल विषय का आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा प्रश्न पत्र एक ही साथ में समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा। सर्वप्रथम अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पर आपका दोस्तों विषय कोड देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा और इस जगह पर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे अंकित कर लेना है। तो आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो स्पष्ट यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2021-22 इस प्रकार से दोस्तों आपकी परीक्षाओं में लिखा हुआ आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा है टोटल क्वेश्चन जो है आपके भूगोल विषय में 20 होने वाले हैं और टोटल प्रिंटेड पेज 7 होंगे और आपका जो पेपर होगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें हिंदी में भी लिखा होगा और अंग्रेजी में भी लिखा होगा। दोस्तों 3 घंटे का ही समय आपको भूगोल पेपर के लिए मिलेगा और मैक्सिमम मार्क के लिए ये 70 अंकों का ही आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके पेपर को समझते हैं कि किस प्रकार का पेपर आपका होगा और क्या क्या उसका सोल्यूशन बन के सामने आता है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं भूगोल विषय का आपका कैसा होगा। और प्लीज़ आप सभी से आगे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आपके प्रश्न पत्र को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर दोस्तों कुछ इस प्रकार से शुरू होने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए इसको वन बाई वन करके पूरा सोल्यूशन इसका देखते हैं और बनाते हैं। तो पहला सही विकल्प दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर हुआ वो सी वाला हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों दूसरे का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। अगला अगर देखें तो विकसित देशों में स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात है। दोस्तों तीसरे का अगर देखा जाए उत्तर तो ये ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कम। अगला देखिए तो कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, रबड़ ये सभी रोपण फसल है दोस्तों, पर गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, तो आपको दोस्तों गेहूं के ऊपर चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, वृत्ताकार, रेखी, चौकपट्टी या वर्गाकार। तो दोस्तों सड़क और नहर के किनारे जो बस्तियाँ होती है वो रेखी प्रतिरूप में होती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो 5वें का आपको बी वाला राइट आंसर लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों ये हो चुके हैं आपके सही विकल्प, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के उत्तर भी देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है, ये रेगिस्तान पूर्ति यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, तो रेगिस्तान पूर्ति भी आपको भली भांति पूर्वक देख लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिया गया है एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है, क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको आंसर लिख लेना है मानव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव, आपको इसमें लिख लेना है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो किस क्षेत्र में प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को कहते हैं। दोस्तों प्रति हज़ार पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं, दोस्तों उसको कहते हैं लिंगानुपात। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है लिंगानुपात। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है, लिंगानुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख ले, यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा कोल खोज। दोस्तों इसमें आपको क्या लिख लेना है, कोल खोज आपको इसमें लिख लेना है, कोल खोज। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें लिख लोगे कोल खोज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय में व्यापार का मुख्य आधार बैंकिंग है, कौन सी बैंकिंग है, दोस्तों ये आपको बताना है। 4वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको लिख लेना है नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग है। अगला देखिए तो नगरीकरण के कारण जनसंख्या का प्रतिशत घटते जा रहा है, तो किसका प्रतिशत घटता जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। नगरीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटता जा रहा है, तो इसमें आपको ग्रामीण लिख लेना है। अगला देख सकते हो दोस्तों दिया गया है, उद्योगों को पूर्ण करने में मशीनों का उपयोग कहलाता है। दोस्तों इसको कहते हैं यंत्रीकरण, क्या लिख लेना आपको इसमें, यंत्रीकरण, यंत्रीकरण इसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न होगा वो होगी सही जोड़ी मिलान, पूरा आप इसको देख सकते हो दोस्तों। तो सही जोड़ी मिलान आपको किस प्रकार से तैयार करनी है वो भी देख लेते हैं। तो पहला दिया गया दोस्तों परंपरागत व्यवसाय, दोस्तों पहला जो है परंपरागत व्यवसाय क्या होती है दोस्तों, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी प्राथमिक क्रियाओं से। अगला देखिए दूसरा सबसे प्राचीन परिवहन साधन, तो दूसरे की जो जोड़ी है दोस्तों
वो डी वाले से मिल जानी है, आपको इससे डी का इसका आंसर लगा लेना है। अगला देखिए तो दुग्ध पाइपलाइन, तो तीसरा जो दिया गया है दुग्ध पाइपलाइन क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों गुजरात में, तो इसकी जोड़ी आपको गुजरात से मिला लेनी है। अगला देखिए तो ग्रामीण बस्ती निर्माण, तो स्थानीय उपलब्ध सामग्री से किया जाता है दोस्तों। अगला देखिए तो आर्थिक विकास का आधार, तो श्रम संगठन, तो ये दोस्तों जोड़ी मिलाना आपका हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आप देख सकते हो कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं, तो कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्यरत जनसंख्या को कहते हैं अर्जक जनसंख्या। क्या लिखोगे आप इसमें, अर्जक, अर्जक जनसंख्या, जनसंख्या आपको इसमें लिख लेना है। कई कई लोग इसमें श्रमिक भी लिखते हैं, पर वो मेरे हिसाब से अर्जक सही है। आप इसमें अर्जक ज़रूर लिखें, यानी कि जो आय प्राप्त करने वाली जनसंख्या होती है उसको अर्जक कहा जाता है। तो अगला देखते हैं राष्ट्रीय आवास नीति का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीय आवास नीति का उद्देश्य है दोस्तों गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, पूरा आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या लिख लोगे आप इसमें, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, परियोजना, तो आप इसको लिख लीजिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथे वाले का उस इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा अपना श्रमिकों को नियमित रोज़गार देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रमिकों को इसमें सतत श्रमिकों को नियमित रोज़गार देना, तो आप लिख लीजिएगा इसको श्रमिकों को नियमित रोज़गार देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तो कृषि को प्राथमिकता कब दी गई, तो कृषि को प्राथमिकता कब दी गई दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कब दी गई दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला देखते हैं भूमि के मूल गुणों में कमी आने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो भूमि के मूल गुणों में कमी आने को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं उर्वरता शक्ति में कमी आना, तो आप इसको लिख लीजिएगा उर्वरता शक्ति में, उर्वरकता शक्ति में कमी आना, तो आप इसका राइट आंसर दोस्तों इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा सत्य असत्य, तो सत्य असत्यों में आपको क्या करना है, तो सत्य असत्य भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ग्रिफिथ टेलर व नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ग्रिफिथ टेलर व नव निश्चयवाद के जनक कौन है दोस्त, ये सत्य है दोस्तों ये पूरी तरह से। अगला देखिए तो पठारी एवं पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ये भी दोस्तों असत्य हो जाएगा आपका। अगला देखिए तो औद्योगिक क्रांति से खनिजों की मांग घट गई है, तो दोस्तों ये भी पूरी तरह से असत्य है। अगला देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रदूषण का खतरा भी बढ़ा है, दोस्तों चौथा वाला आपका सत्य हो जाएगा। पांचवे की अगर बात की जाए तो नगरी बस्तियों के घर पक्के एवं सुंदर नहीं होते हैं, तो पांचवा जो क्वेश्चन होगा ये पूरी तरह से असत्य हो जाएगा, क्योंकि नगरों के सभी घर दोस्तों पक्के और सुंदर होते हैं। भारत में सर्वत्र जनसंख्या का वितरण समान है, दोस्तों ये भी असत्य है पूरी तरह से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सत्य असत्य लगा लेने हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सत्य असत्य अच्छे से सीख लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है और ये उसका अथवा है, उसी के अलावा ये 7वें का अथवा दिया गया और ये 8वें का अथवा दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और उनके आंसर तैयार कर लेने हैं। आगे आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा दिया गया है, 10 का अथवा है, 11 का है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये भी तैयार कर लेने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी लोगों को इनके तो उत्तर भी तैयार अच्छे से कर लेने हैं। आगे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है और ये 13 का उत्तर दिया गया है और ये 14 का उत्तर प्रश्न ये दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी लोगों के पास में जो भी अध्ययन सामग्री है आप उनमें से इनके उत्तर तैयार जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारियाँ अच्छे से हो सके। तो आगे आप देख सकते हो आगे कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर देखेंगे और इनके उत्तर तैयार बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। वैसे के अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, आप लोग इनको देखें अच्छे से और इनके उत्तर तैयार कर लीजिएगा। वह 19वां प्रश्न ये दिया गया है, आप इसका भी उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वह आगे देखा जाए दोस्तों तो ये 20वां क्वेश्चन है और 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको अच्छे से तैयार दोस्तों कर लेना है। तो ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर मैंने 20 तक के सभी प्रश्न बता दिए हैं
और बाकी के जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हैं इनके उत्तर आप स्वयं बना सकते हो, या अगर आपको नहीं बन पा रहे हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन में भी एज पॉसिबल आपको देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों, आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से जारी रखिए, और ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो कुछ इसी प्रकार का आने वाला है, पर आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि एक मॉडल पेपर है, तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा, यानी कि आपका जो फॉर्मेट होगा पेपर का वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होगा, और उसमें कुछ प्रश्न चेंज अलग से आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और आप सभी को मेरी तरफ से वार्षिक परीक्षा हेतु हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार।